का हमारा टॉपिक है रेडिएशन बायोलॉजी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। ओके, रेडिएशन बायोलॉजी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन। तो रेडिएशन बायोलॉजी क्या है? इट्स द इफेक्ट ऑफ आयोनाइजेशन ऑन लिविंग बींग्स स्टडीड अंडर रेडिएशन बायोलॉजी। तो आयोनाइजेशन जो होता है ड्यू टू एक्सरेज, उसका इफेक्ट जो लिविंग बींग्स पे होता है उसको हम रेडिएशन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके, रेडिएशन बायोलॉजी नेक्स्ट। तो रेडिएशन बायोलॉजी का दो तरीके का इफेक्ट है। वन इज रेडिएशन का दो तरीके का इफेक्ट है। वन इज डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। तो डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट क्या है? इन द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट सीवियरिटी जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डोज। ओके, कितना सीवियर होगा वो डोज पे डिपेंडेंट है। ओके, व्हेन डोज इज इंक्रीज बाय गिविंग रेडियोथेरेपी द सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स इंक्रीजेस। तो अगर हम डोज बढ़ा देते हैं, डोज अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? देन सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स विल इंक्रीज। ओके, सीवियरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज। देन 2 to 4 gray अगर डोज हम देते हैं तो क्या होगा? जेरोस्टोमिया होगा। ग्रे का मतलब क्या है हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट में, ठीक है। अगर 60 gray दे दिया या 6000 red, देन सलाइवा इन द ओरल कैविटी विल बी एब्सोल्युटली जीरो। तो ये याद रखना है, ये दोनों पॉइंट 2 to 4 gray आपको जेरोस्टोमिया होगा एंड 60 gray to 6000 red सलाइवा इन द ओरल कैविटी विल बिकम एब्सोल्युटली जीरो, ठीक है। फिर एग्जांपल रेडियोथेरेपी इंड्यूस साइड इफेक्ट। तो एग्जांपल क्या है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स का? रेडियोथेरेपी इंड्यूस साइड इफेक्ट। देन अभी एक लेटेंट पीरियड भी है रेडियोबायोलॉजी में। इट इज दैट सेफ पीरियड व्हेन रेडियोथेरेपी हैज स्टार्टेड बट सिम्टम्स हैव नॉट स्टार्टेड। तो ये कौन सा है लेटेंट पीरियड? क्या है वो समय जब योर रेडियोथेरेपी हैज बीन स्टार्टेड, ओके, बट सिम्टम्स हैव नॉट स्टार्टेड। ओके, इट इज द सेफ पीरियड बिटवीन रेडिएशन एक्सपोजर एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम। तो लेटेंट पीरियड क्या होता है? लेटेंट पीरियड, ये जो लेटेंट पीरियड है, व्हाट इज लेटेंट पीरियड? इट इज द सेफ पीरियड। ओके, सेफ पीरियड बिटवीन एक्सपोजर एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। तो ये था इसका डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट अनदर इफेक्ट, इट इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक इफेक्ट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ चेंज इज डोज डिपेंडेंट। ये हो गया रेडिएशन इंड्यूस कैंसर, इसका एग्जाम्पल है। स्टोकेस्टिक इफेक्ट इज डोज इफेक्ट व्हिच ऑकर व्हेन अ पर्सन रिसीव अ हाई डोज ऑफ रेडिएशन। तो स्टोकेस्टिक इफेक्ट क्या है? जब एक पेशेंट हाई डोज ऑफ रेडिएशन को एक्सपोज होता है, दिस इफेक्ट हैव एन इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस विद इंक्रीज डोज। प्रोबेबिलिटी इसका बढ़ता है, इसमें सीवियरिटी बढ़ता है, इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। ओके, देयर इज नो थ्रेशोल्ड डोज बिलो व्हिच इज क्रिएटिवली सर्टेन दैट अ स्टोकेस्टिक इफेक्ट कैन ऑकर। इसमें तो हमने बोल दिया 2 to 4 gray होने से जेरोस्टोमिया होगा, 60 gray होने से सलाइवा इन द ओरल कैविटी विल बी एब्सोल्युटली जीरो। पर स्टोकेस्टिक इफेक्ट में हम ऐसा कोई लिमिट नहीं बोल सकते कि इतना होने से इतना रेडिएशन होगा, रेडिएशन इंड्यूस इंजरी होगा या कुछ प्रॉब्लम होगा, वी कैन नॉट से। सो दिस इज नोन एज स्टोकेस्टिक इफेक्ट। एक है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट और एक है आपका स्टोकेस्टिक इफेक्ट। ओके, नाउ ग्रे, ग्रे ग्रे क्या है? द ग्रे इज द डेराइव यूनिट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। तो ग्रे इज द, ये आपको एग्जाम में आ सकता है एज 4 mark क्वेश्चन जो नीट MDS है, और ऐसे वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं।
ग्रे इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन डोज इन इंटरनेशनल यूनिट, तो इट इज एन SI यूनिट, ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन का SI यूनिट है. इट इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ रेडिएशन. 1 जूल ऑफ रेडिएशन, जूल हमने कहाँ पे पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था स्कूल में. जूल जूल किसका था, एनर्जी का, राइट. एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, राइट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एनीवन वुड लाइक टू करेक्ट मी इफ आई एम मिस्टेकन. ठीक है, एनर्जी इज जूल, राइट. तो 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी, 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर किलोग्राम. ओके, 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर किलोग्राम. ओके, दिस इज नोन एज ग्रे. तो इसका डेफिनेशन आप सीख लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बोथ द इंटर्न्स एंड बोथ द फाइनल ईयर्स. ये डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट आप पढ़ लेना, ये 2 to 4 ग्रे याद करना, 60 ग्रे याद करना, ठीक है. दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू. एंड स्टोकेस्टिक इफेक्ट ये भी पढ़ लेना. नाउ अभी हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी एंड व्हाट आर द रेडियो रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स. ओके, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो डीएनए है इज मोर रेडियो सेंसिटिव देन आरएनए. रेडियो सेंसिटिव मतलब क्या है, जो रेडिएशन है, रेडिएशन का इफेक्ट ज्यादा होता है. ओके, दोज आर नोन एज रेडियो सेंसिटिव. ओके, एंड रेडियो रेजिस्टेंट मतलब इफेक्ट इज लेस. ओके, तो न्यूक्लियस इज मोर, डीएनए जो होता है मोर रेडियो सेंसिटिव देन आरएनए. तो डीएनए जो है वो बहुत रेडिएशन सेंसिटिव होता है. इन सेल साइकिल में क्या था, G0, G1, G2 और M फेज, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इन सेल साइकिल G2 एंड M फेज आर रेडियो सेंसिटिव. इसमें G2 और M फेज आर रेडियो सेंसिटिव. G1 S होगा ना, यहाँ पे G1 के बाद S होता है. G0, G1, S, G2, M. तो क्या है, G2 और M है रेडियो सेंसिटिव. दिस इज ऑल्सो एन MCQ, ठीक है, आपको याद करना है. G2 एंड M आर रेडियो सेंसिटिव, ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, G2 इज मोर रेडियो सेंसिटिव फेज, ये याद रखना है, इसको भी याद रखना है. मोर ऑफ मेमोराइजिंग हियर, G2 इज मोर रेडियो सेंसिटिव फेज. इन सेल साइकिल S फेज इज लीस्ट रेडियो सेंसिटिव. इवन दो द डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द सेल साइकिल, बट हमको याद रखना है कि S फेज इज लीस्ट रेडियो सेंसिटिव. ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बार बार, देन यू कैन मेमोराइज इट. ओके, अभी रेडियो रेजिस्टेंट का बात करते हैं. रेडियो रेजिस्टेंट, सबसे रेडियो रेजिस्टेंट कौन सा होता है स्ट्रक्चर, इट इज द सेल मेम्ब्रेन. ओके, रेडियो रेजिस्टेंट इज सेल मेम्ब्रेन. नाउ हम बात करेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में. अभी हमने बात किया रेडिएशन बायोलॉजी, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेडिएशन प्रोटेक्शन. रेडिएशन से हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो इसमें 2 टर्म यूज किया जाता है, एस लो एस अलाडा और अलाडा. अलाडा का मतलब है एस लो एस रीजनेबली अचीवेबल, और अलाडा का है एस लो एस डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल. तो ये दोनों टर्म इम्पोर्टेंट है. ओके, फाइनल ईयर आपको वाइबा में पूछ सकता है, ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ अलाडा एंड अलाडा. ओके, तो देयर आर 3 principles ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन. 3 principles होते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन का. नंबर 1 है जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड डोज लिमिटेशन. तो ये तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. जस्टिफिकेशन का मतलब क्या है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है और डोज लिमिटेशन का मतलब क्या है. ओके, तो जस्टिफिकेशन, व्हेनेवर यू हैव टू अल्टर एनी इंपॉर्टेंट एक्सपोजर पैरामीटर वे वेदर इट इज फॉर योर बेनिफिट दैट कैन हार्म द पेशेंट. तो कभी भी हम जैसे इंक्रीज KVP करेंगे या कुछ भी करेंगे, एनी पैरामीटर वी चेंज रेडियोलॉजी में, अगर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में है हम, तो हमारे पास जो एक्सरे मशीन है उसका कोई भी पैरामीटर हम चेंज करेंगे,
एवीपी हो, करंट हो, कुछ भी हो, तो हमको देखना पड़ेगा कि वेदर इट विल हार्म द पेशेंट और इट विल बेनिफिट द पेशेंट. इट विल हार्म द पेशेंट और इट विल बेनिफिट द पेशेंट. जैसे कि डॉक्टर्स का एक वो होता है ना कि वी विल नेवर हार्म एनीवन ना, तो उसी तरह जो रेडिएशन बायोलॉजी का जस्टिफिकेशन होता है कि कुछ भी करने से पहले आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये आपको पेशेंट को हार्म कर रहा है कि बेनिफिट कर रहा है. वन शुड जस्टिफाई द मॉड्यूलेशन ऑफ द एक्सपोजर पैरामीटर. तो वन शुड जस्टिफाई, ही शुड बी एबल टू जस्टिफाई मॉड्यूलेशन ऑफ एक्सपोजर. जो मॉड्यूलेशन कर रहा है, जो चेंज कर रहा है एक्सपोजर पैरामीटर का, ही शुड बी एबल टू जस्टिफाई. ओके, देन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन मतलब अलाडा और अलाडा प्रिंसिपल, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल. और अलाडा का क्या था? एज लो एज डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल. ये दोनों फुल फॉर्म आप सीख के रखना, ठीक है. नाउ डोज लिमिटेशन. डोज लिमिटेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू आईसीआरपी. आईसीआरपी क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन. मैक्सिमम परमिसेबल डोज फॉर एन ऑपरेटर फॉर होल बॉडी शुड नॉट बी मोर देन 5 rem, 50 msv. तो एक जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर और नॉर्मल लोगों का अलग है, ठीक है. जो ऑपरेटर है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो जो रैम है कितना होगा? 5 rem और 50 msv. ओके, अकॉर्डिंग टू आईसीआरपी मैक्सिमम परमिसेबल डोज फॉर एन ऑपरेटर. एक ऑपरेटर को कितना तक ले सकता है बॉडी एनुअली, एक साल में एनुअली हाउ मच? 5 rem. 5 rem, रैम का मतलब क्या है? रोएंटगेन इक्विवेलेंट मैन. ओके, इट इज द सीजीएस यूनिट. सीजीएस और वो पढ़ा था ना हमने, इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज. ओके, व्हिच आर मेजर ऑफ द हेल्थ इफेक्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन. तो ये रैम किस लिए हम यूज करते हैं? टू मेजर द हेल्थ इफेक्ट. हेल्थ में क्या इफेक्ट होता है वो हम रैम से मेजर करते हैं. तो ठीक है, ऑपरेटर जैसे हमारे कॉलेज में कौन है? पाठक दा है, राइट. तो ही शुड नॉट बी एक्सपोज देन मोर देन 5 rem या 50 msv पर ईयर. ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन. मैक्सिमम परमिसेबल डोज फॉर जनरल पब्लिक. ये देखो, जनरल पब्लिक का अलग है, 0.5 rem या 1 msv. ओके, 0.5 rem. ये दोनों न्यूमेरिकल आपको याद रखना है. दिस मैक कम एज एमसीक्यू. ओके, याद करना है, ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन. देयर आर थ्री थिंग्स. प्रोटेक्शन ऑफ द ऑपरेटर. ऑपरेटर का प्रोटेक्शन अलग होगा. प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट विल बी डिफरेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर एनवायरमेंट विल बी डिफरेंट. तो ऑपरेटर कैसे बच सकता है? मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग ऑपरेटर स्टैंड बिहाइंड लीड बैरियर. मोस्ट इफेक्टिव, आपने देखा होगा कॉलेज में, हमारे कॉलेज में जो जो इन आवर आरडीसी जो पाठक दा यहाँ पे एक्सरे को पेशेंट बिठाते हैं. ओके, एंड देन देयर इज ए लीड बैरियर यहाँ पे, एंड देन ही हाइड्स हिमसेल्फ हियर एंड ही प्रेसेस द जो आपका रिमोट है वो यहाँ से प्रेस करता है. दिस इज द लीड बैरियर एंड इट इज मस्ट. ओके, ठीक है. लीड बैरियर मस्ट होता है फॉर द ऑपरेटर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेडिएशन. पोजीशन डिस्टेंस रूल. ये पोजीशन डिस्टेंस रूल कहाँ पे करते हैं? इन द एब्सेंस ऑफ लीड बैरियर. अगर सोचो आपके क्लिनिक में, यू हैव ए क्लिनिक एंड इन योर क्लिनिक यू डोंट हैव ए लीड बैरियर, देन
यू हैव टू फॉलो दिस पोजिशन डिस्टेंस रूल. तो इसके अनुसार क्या है, यू शुड स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एट एन एंगल ऑफ 90 to 135 degrees. यू शुड स्टैंड कितना, 6 फीट, डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एट 90 to 135. ये एमसीक्यू है. ओके, 6 फीट एंड 90 to 135 degrees. ठीक है, दिस इज एन एमसीक्यू, आप याद रखना इसको. देन ऑपरेटर कैन वेयर लीड एप्रोन. आपको बोलेगा एग्जाम में पूछता है वाइवा में कि एक ऑपरेटर खुद को कैसे बचा सकता है, तो लीड एप्रोन, फिर गोनाडल शील्ड्स होता है, थायराइड कॉलर होता है. ठीक है, जो लीड एप्रोन है उसका लीड का कितना एमएम होना चाहिए, 0.22. अगेन आई विल राइट इट हियर, 0.22, 0.5 mm लीड एप्रोन. ओके, ये इसका वैल्यू होगा. फाइन, देन ऑपरेटर शुड वेयर ए डोसीमीटर, टीएलडी बैच. ओके, ये टीएलडी बैच इनको वेयर करना पड़ेगा. डोसीमीटर क्या करता है, कितना रेडिएशन लिया है एक पर्सन उसको मेजर करता है, और वो हमेशा चेक करना पड़ता है कि ए पर्सन हैज बीन एक्सपोज टू दिस मच डोज ऑफ रेडिएशन. ओके, टीएलडी का फुल फॉर्म क्या है, थर्मोलुमिनेसेंट डोसीमीटर. नॉट होल्डर, नेक्स्ट क्या है, नॉट होल्डर फिल्म, स्नैप एरे होल्डर इन बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक एक्सेप्ट एक्सीपी होल्डर पैरेललिंग टेक्निक में. तो क्या है कि जो ऑपरेटर है उसको खुद जो एक्सरे फिल्म है, वी शुड नॉट होल्ड इट एज ए ऑपरेटर, एज ए डॉक्टर हमको खुद नहीं पकड़ना है वो, द पेशेंट शुड होल्ड इट. वी कैन शो देम कि आप ऐसे पकड़ो, एंड द पेशेंट शुड होल्ड द फिल्म. ओके, डू नॉट होल्ड द ट्यूब और पीआईडी, जो ट्यूब है उसको हमको नहीं पकड़ना है. दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन फॉर ऑपरेटर. ओके, हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ लिया. ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्शन फॉर पेशेंट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज ऑफ हाई स्पीड फिल्म्स, वी विल यूज हाई स्पीड फिल्म्स. तो जो फिल्म्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, एबीसी होता है, डीई होता है, एफजी होता है, बट कॉमनली यूज्ड इज ई और एकता फिल्म्स. ओके, एकता कपूर पता है ना, फिल्म बनाती है, तो ई फॉर एकता फिल्म्स, वी यूज ई फिल्म्स. ई फिल्म्स आर फास्ट स्पीड फिल्म्स. ओके, फिर रेक्टेंगुलर कोलिमीटर यूज करते हैं, देयर आर रेक्टेंगुलर कोलिमीटर. Then, if I'm not mistaken, tubular एक है, circular. I'm so sorry, मैं भूल गया हुई है. Rectangular और square शायद है एक. ठीक है? So we use rectangular collimator. Preferred is rectangular collimator. 60% more efficient in reducing exposure to the patient. Reduces overall radiation exposure to patient. तो क्या होता है? Rectangular collimator क्या करता है? Reduces overall radiation exposure by 60%. तो कोलिमीटर क्या करता है? Reduces radiation by 60%. Okay? Fine. Next, increase the focal spot and film distance. आपने पढ़ा होगा focal spot and film distance. Again, we will be studying focal spot and film distance when we will be studying about X-ray machine. तो हमको क्या करना है? Increase the focal spot and film distance. 8 inches or 16 inches. This is also an MCQ. ये भी आपको याद रखना है. More the distance, less will be the divergent films, more radiation protection. The distance is increased by long rectangular lead line position on indicating device. Increased KVP. अगर KVP हम increase करते हैं, then it is advantageous to patient, but disadvantage, तो इससे contrast खराब हो जाता है. But KVP is क्या है? KVP is advantageous to the patient. Okay? उसको कम डोज लेना पड़ता है फिर. Okay? Then filtration. Low energy X-ray photons are removed. हाँ, low energy X-ray photon को हम कैसे remove करते हैं? Filtration. Filtration के बारे में हमने पढ़ा होगा कि filtration है, collimator है. तो ये सब फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं? ताकि लो एनर्जी एक्सरे फोटोन जो है उसको रिमूव करे. इनहेरेंट फिल्ट्रेशन कितना होता है?
0.5 to 2 mm of aluminium thickness. Added filtration aluminium, total filtration at 70 kVp, 1.5 mm of aluminium thickness. These are all numericals. ये आपको थोड़ा पढ़ के याद करना पड़ेगा. फिर पेशेंट को थायराइड कलर दो, दे आर थिंग विच वी नेवर डू. ये जस्ट थियोरिटिकल है कि पेशेंट को थायराइड कलर लगाना है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज वर्किंग इन क्लिनिक, देन वो एक एमबीबीएस डॉक्टर था, तो लाइक वी वर टेकिंग एक्सरे, देन ही टोल्ड मी आप लोगों को क्या एक्सरे से कोई इफेक्ट नहीं होता है. देन ही सेड व्हाई डोंट यू वेयर लीड एप्रोन एंड दिस थिंग, सो वी हैड नो आंसर. सो पेशेंट शुड बी वेयरिंग थायराइड कॉलर, लीड एप्रोन्स, गोनाडियल शील्ड अगर जरूरत हो, एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन शुड बी गिवन. ओके, नाउ अबाउट प्रोटेक्शन फॉर एनवायरमेंट. ओके, ओपीडी सेक्शन एंड रेडियोलॉजी सेक्शन शुड बी फार अपार्ट, जो कि नहीं होता है हमारे कॉलेज में. क्या है, रेडियोलॉजी सेक्शन और ओपीडी एक ही साथ में है, बट इन रियलिटी जो आइडियल क्राइटेरिया है, द रेडियोलॉजी सेक्शन एंड द ओपीडी सेक्शन शुड बी फार अपार्ट. रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट शुड हैव अ साइन ऑफ डेंजर. रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए, डेंजर साइन होना चाहिए, रेड लाइट टेलिंग दैट एक्सरेज आर हार्मफुल. ओके, रेड लाइट तो होता है, ये तो हमने देखा है, वी हैव इन आवर कॉलेज. प्रिकॉशन शुड बी टेकन सच दैट देयर इज नो एक्सीडेंट एक्सपोजर टू एनीवन एंटरिंग द रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ आवर क्लिनिक. तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद से समझ सकती हो. रेडियोलॉजी सेक्शन शुड हैव अ मेज डिजाइन, तो ये आपको याद रखना है. रेडियोलॉजी सेक्शन शुड हैव अ मेज डिजाइन. ओके, मेज पता है ना, मेज की तरह डिजाइन होना पड़ेगा, और कॉन्च डिजाइन, शंख की तरह डिजाइन भी बोलते हैं. ओके, इट इज गिवन इन द बुक. वॉल्स, विंडोज एंड डोर्स शुड हैव 1 mm ऑफ लीड. दिस इज अगेन एन एमसीक्यू. वॉल्स विंडोज कितना mm लीड होना पड़ेगा, 1 mm लीड. ओके, फाइन. सो दिस विद दिस वी हैव कम टू द conclusion of this chapter, radiation protection and radiation biology.